जन भागीदारी समिति द्वारा वाणिज्य संकाय में की गई नियुक्ति की जांच व कार्रवाई करने हेतु प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन। शैक्षणिक सत्र 2017-18 में जन भागीदारी समिति के द्वारा वाणिज्य संकाय में अपात्र अतिथि विद्वान की नियुक्ति का आरोप लगाते हुए जांच एवं कार्यवाही किए जाने की मांग संबंधी ज्ञापन प्राचार्य को सौंपा गया। प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को सौंपे ज्ञापन में मोहम्मद आरिफ द्वारा बताया गया कि शैक्षणिक सत्र 2017-18 में अपात्र अतिथि विद्वान के नियुक्ति में की है और मोहम्मद आरिफ बताया कि हम आवेदन किया था लेकिन जन भागीदारी समिति द्वारा उसमें कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी नैन्सी अग्रवाल को अनुचित ढंग से नियुक्त कर दिया गया। इस संबंध में आज ज्ञापन प्राचार्य को देकर निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही। आज आपने प्राचार्य महोदय को ज्ञापन दिया, किस विषय को लेकर आप ज्ञापन दिए हैं? मैंने सत्र 17-18 में जन भागीदारी समिति द्वारा निकाले गए शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अतिथि विद्वान के लिए अप्लाई किया था। उसमें मेरे नंबर ज़्यादा होने के बावजूद इन्होंने जन भागीदारी समिति ने सुश्री नैन्सी अग्रवाल का चयन कर दिया। इसके संदर्भ में जांच कराने के लिए मैंने पूर्व में भी दिया था परंतु निष्पक्ष जांच नहीं हुई और मेरी फाइल बंद कर दी गई। आज मैंने पुनः एक बार फिर से ज्ञापन दिया है कि मुझे मेरे निष्पक्ष जांच हो ताकि मुझे न्याय मिल सके। प्राचार्य महोदय क्या बोले इस विषय में? प्राचार्य महोदय रख लिए हैं, अब कहें कि देखते हैं उसमें क्या होता है। और जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है, मैं सतना में रहता हूँ और मैं मतलब योग होने के बाद मेरे नंबर ज़्यादा होने के बाद आज मुझे मजदूरी करना पड़ रहा है। आज मेरे हालात लॉकडाउन से मैं पूरी तरह से वो हो गया हूँ, मैं मजदूरी करना पड़ रहा है मुझे, जबकि आयोग जिसके कम नंबर हैं वो आज नौकरी कर रहा है और मैं बाहर हूँ। आज दिए हैं आपको, यहाँ से न्याय नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे? वैसे तो उम्मीद है नहीं मिलेगा न्याय, तो फिर मैं हाई कोर्ट की शरण लूँगा और वहाँ जाके अपने न्याय के लिए गुहार लगाऊँगा।